show yourself with long. तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद की 7 फोटो रेडी करके रख देनी है। 7 फोटो जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसमें से 4 फोटो जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो आपके लॉन्ग हेयर्स के साथ होनी चाहिए, वो फोटो में आपके हेयर जो है वो लॉन्ग होने चाहिए। और उसके बाद जो बाकी की बची हुई जो 3 फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो आपके शॉर्ट हेयर में होनी चाहिए। तो 4 फोटो लॉन्ग हेयर्स में और 3 फोटो आपकी शॉर्ट हेयर में, तो ऐसे आपको टोटल 7 फोटो रेडी करके रख देनी है। तो 7 फोटो रेडी हो जाने के बाद प्ले स्टोर पर जाके आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एड्स आ सकते हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो। एड्स को स्किप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो और फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट इमेज ऐड करनी है, तो इमेज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। तो ये वाला जो इमेज है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप इस टेम्पलेट इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे मैंने बोला था 7 फोटो रेडी करके रख देने, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके लॉन्ग हेयर के साथ जो 4 फोटो आपके रहेंगे उस 4 फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो 3 जो शॉर्ट हेयर के साथ फोटो रहेंगे वो 3 शॉर्ट हेयर वाले फोटोज़ को आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सारे फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आपको 9:16 का एक फ्रेम रेशियो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। अभी आपको करना कि वीडियो के एकदम एंड पॉइंट पे आना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का फोटो आपको दिखेगा, तो इस फोटो के बाहर को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है। ऑडियो को डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने एक चूज़ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे, तो वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 7 बीट्स ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताया था। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है। जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 6.21, तो यहाँ पर 6.21 आने तक आपको इसे मूव करना है। और जिस पॉइंट पे 6.21 आ जाएगा उस पॉइंट पे आकर रुक जाना। जैसे अभी आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पर 6.21 आ चुका है। तो अभी आपको करना है स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट बीट है वो ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली बचे हुए जो बाकी की 6 बीट है वो भी आपको ऐसे ही ऐड करनी है। बची हुई 6 बीट का जो टाइम ड्यूरेशन है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सारी बीट यहाँ पर ऐड करके ले लेनी है। सारी बीट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 7 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑडियो का बार, इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है। तो आपको करना कि हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो टेम्पलेट वाला पिक दिया था, तो इस टेम्पलेट वाले पिक के बार को सिलेक्ट करना है। इसके राइट हैंड साइड पे आपको एक बॉर्डर दिखेगी येलो कलर की, तो इसे आपको ड्रैग करना है। ऑडियो के बार में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उस पॉइंट तक इसे आपको ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद ऑडियो के बार में सेकंड वर्टिकल लाइन है उसे क्लिक करना है और सेकंड फोटो को उस पॉइंट तक ड्रैग करना है। फिर थर्ड लाइन को सिलेक्ट करके थर्ड फोटो को, ऐसे हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सारे फोटो आपके यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट हो जाएंगे। लास्ट वाले फोटो के लिए आपको करना कि ऑडियो का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है, मतलब ये ब्लू लाइन जिस पॉइंट पे एंड हो रही है उस पॉइंट तक लास्ट वाले फोटो को कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी फोटो ऐड किए तो इसमें से कोई भी एक फोटो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। नीचे एक FX का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जो व्हाइट वर्टिकल लाइन आपको शो हो रही है इसे आपको फोटो के एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर कुछ इस तरीके से लेकर आना है। अभी आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, जूम इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। जो फर्स्ट आपने टेम्पलेट भी ऐड किया है इसके बार को सिलेक्ट करना है, FX को सिलेक्ट करना है। सारे अभी यहाँ पर आपको नीचे जो इफेक्ट दिख रहे हैं सारे इफेक्ट को राइट साइड में स्क्रॉल करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको एक नन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे एक सिंगल टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है।
बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच हुआ होता हुआ जो रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बनाया वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।